मैं हमजा शहबाज शरीफ साहब की बीवी हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉस फायर। मैं हूं महर बुखारी। तूफान नूह से कबल कश्ती नूह में सवार होने की इजाजत अल्लाह के नबी के बेटे को नहीं थी। बेटे की मोहब्बत का तलातुम अजाब की सूरत आने वाले तूफान की मौजों से कम ना था। सो अल्लाह से इल्तिजा की कि ऐ मेरे रब, तूने वादा फरमाया था कि मैं तेरी आल को बचा लूंगा। वो जो पानी में गर्क हो रहा है, मेरे करीम वो मेरा बेटा है, इसकी जान बख्श दे। जवाब मिला कि ऐ नूह, तेरी आल वो है कि जो तेरी पैरोकार है। नाफरमानों से एक नबी का क्या ताल्लुक। मशीयत ईज़दी के आगे अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाबरदारी से सर झुका दिया। दूसरे नाफरमानों की तरह नबी का बेटा भी अजाब का शिकार हो गया, मगर बेटे की मोहब्बत अल्लाह के नबी को नबियों की सबसे ना निकाल सकी और ना ही बेटे की नाफरमानी बाप का जुर्म ठहरी। अपना अपना नामा अमाल है, अपनी अपनी कब्र है और अपना अपना हिसाब भी है कि जो हर किसी को देना है। अरसलान इफ्तिखार केस में हमारा इख्तलाफी पहलू जो था वो सिर्फ इतना था कि चीफ जस्टिस को आला अदलिया के जजों से मुतल्लिक ज़ाब्ता इख्लाक के तहत अपने बेटे का मुकदमा खुद नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि ये उनके हल्फ का भी तकाजा और अदल का भी है कि चीफ जस्टिस अपनी ये जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं। और अब बाकी कि अरसलान चौधरी चीफ जस्टिस के बेटे हैं और मलिक रियाज ताकत की अंधी दुनिया के नवाब। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के जजों के सुपुर्द है, वो जाने और उनका रब। फिल वक्त तो इस मुकदमे ने वो खाक उड़ाई है कि गाजे का गुब्बार कहीं अहले सहाफत के सरों पर है तो कहीं हुकूमत के रुखसार पर। पुरानी कहावत है कि मारने वाले का हाथ तो पकड़ा जा सकता है, मगर बोलने वाले की जुबान नहीं। किसी कहने वाले ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने कहा था कि इन दिनों लापता अफराद और बलोचिस्तान अमन अमान केस सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है। हो सकता है, इट इज अ पॉसिबिलिटी, कि मलिक रियाज को एजेंसियों ने इस्तेमाल कर लिया हो। अगर बोलने वालों की जुबानें सच कहती हैं तो फिर ये देख लिया जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तर्ज फिक्र और तर्ज अमल में कोई फर्क नहीं आया। वो आज भी बलोचिस्तान अमन अमान और लापता अफराद केस में वही कुछ कह रहे थे और वही कुछ कर रहे थे कि जो वो कहते और करते आए हैं। अदालत ने इस केस में कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अदालत तलब करे और ये पूछे अदालत कि पाकिस्तान यूं ही चलाया जाएगा कि एक बाबरदी जर्नल सुप्रीम कोर्ट में जेर समात मुकदमे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। जो लोग एफसी के खिलाफ शहादतें देते हैं वो कत्ल कर दिए जाएं और अदालत जिन लापता अपराध की बाजियाबी पर जोर दे उनकी लाशें मिल जाएं। सो इंसाफ के वजूद में हरारत अभी बाकी है। अगर ये मामला महज अरसलान चौधरी और मलिक रियाज की हद तक का है तो फिर और बात है, और अगर किसी ने मलिक रियाज को इस्तेमाल किया और अरसलान चौधरी को जाल में फंसाया है ताकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की साख को मुतासिर किया जाए या नुकसान पहुंचाया जा सके तो सुन लिया जाए कि ये चाल उल्टी पड़ चुकी है। मलिक रियाज पाकिस्तान लौट चुके हैं, नए इंकशाफ होंगे, नए इल्जाम और नए जवाब, मगर आज का सवाल इससे हटकर हमारे शहजादगान से मुतल्लिक है। वो शहजादगान कि जो कल अहम ओहदों पर फायज होंगे, अहम ओहदों पर बैठकर इस मुल्क को चलाएंगे, कि वो सारे के सारे करप्शन की गलाजत में क्यों लुथड़े पड़े हैं। गौर कीजिए नाजरीन, हथ स्कैंडल में 2 से 3 करोड़ रुपए की करप्शन, गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम और बुलेट प्रूफ गाड़ी का बखेड़ा अब्दुल कादिर गिलानी के नाम, एक अदाकारा से पहले शादी, फिर इसके कत्ल का मुकदमा, दोस्त मोहम्मद खोसा पर इल्जाम, नशावर केमिकल स्कैंडल यानी के 7 अरब की करप्शन, वजीर आजम के दूसरे साहबजादे अली मूसा गिलानी के खाते में, NICL स्कैंडल 320 मिलियन की करप्शन में मूनस इलाही का जिक्र, आयशा अहद के दावे, नथिया गली में एक मकान को गैस पाइपलाइन का शोर, और इसके साथ साथ बर्फानी चीते की दास्तानें भी हमजा शहबाज की दास्तान। और इसके साथ साथ आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि CDA के चेयरमैन फरखंद इकबाल के भी साहबजादे, एक और ताकतवर आदमी के साहबजादे जो अभी भी इस्लामाबाद में दंदनाते फिर के ये कहते फिरते हैं कि मेरे बाप का शहर है। गर्ज, हमारी नौजवान नस्ल और खसूसन साहबान इख्तियार की औलादें कि जो इस रियासत की वली अहद हैं, क्राउन प्रिंस हैं कल के, इन पर जब माली और इखलाकी बदउनवानी के इल्ज़ाम होंगे तो ये मुल्क कैसे चलेगा। वल्लाहु आलिमुल गैब, मगर सवाल तो यही है। एक छोटा सा वक्फा और फिर हाजिर होंगे।
वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर. हमारे साथ आज मौजूद हैं स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर मिसेस शहनाज वजीर अली साहिबा. हमारा साथ दे रहे हैं सेनेटर जफर अली शाह साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, और हमारा साथ दे रही हैं कश्माला तारिक साहिबा, लीडर हैं हम ख्याल ग्रुप की. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम कश्माला, आपसे आगाज करूंगी. मैंने अभी जाते हुए कहा कि अगर आज हम गौर करें तो कोई आपका आई थिंक ऐसे लीडर नहीं है किसी भी. अब चीफ जस्टिस के बेटे की भी बात आ गई है, उससे पहले जो करता धरता ताकतवर होता है उसके साहबजादे जो गुल खिला रहे हैं इस मुल्क में, उसका क्या कीजिए और इसका क्या सोचिए कि क्या समझना चाहिए कि कल को ये हमारे लीडर होंगे, पॉलिटिशियंस होंगे, जजेस होंगे, लॉयर्स होंगे, सिविल सर्विसेज में होंगे. देखिए महर, ये आर दे गोइंग टू रन द कंट्री? अल्लाह की तरफ से एक बड़ा अच्छा मौका है. ये जो चीफ जस्टिस साहब के बेटे का केस लगा है, मेरे ख्याल में दिस विल बी अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड दिस इज गोइंग टू मेक हिस्ट्री. क्योंकि अगर तो कुछ प्रूव हो जाता है तो यहाँ से इब्तदा होगी. इब्तदा तो पहले हुई भी है लेकिन वो कहीं पहुंचने नहीं दी जा रही. जिस तरह आज NICL केस कोर्ट में लगा हुआ था और इट वॉज वेरी एम्बेरसिंग फॉर एवरीबडी कि हुकूमत की मशीनरी जो है उसको रोका जा रहा था और आके जफर कुरैशी साहब ने कहा कि जी मेरे लिए हर जगह पे रुकावट की गई इंक्वायरी में. इसी तरह आप चाहे वो प्रोविंशियल लेवल्स के साहबजादे हैं या फेडरल लेवल के साहबजादे हैं, मेरा ख्याल में दिस थिंग शुड बी ब्रॉट टू एन एंड नाउ. इंसाफ सबके लिए होना चाहिए. ये नहीं कि बड़े का बेटा चोरी कर सकता है, डाका कर सकता है, स्कॉट फ्री फिर सकता है और बाकी हम आम छोटी छोटी चोरियों पे जेल भर दे. सो ये जो अब चीफ जस्टिस साहब ने खुद सुओ मोटो एक्शन लिया और हिस्ट्री तारीख रकम करने लगे, यहां से महर तब्दीली आएगी. यहां से हर कोई बड़ा और छोटा एक ही सफ में खड़ा करने का अब यहां से सिलसिला शुरू हुआ है कि अगर तो गलती की है तो सजा और लॉ सबके लिए बराबर है. शाह जी, ताज्जुब की बात यह है कि सियासतदानों के साहबजादे जब इस तरह करते हैं तो बहुत दफा ये होता है कि हाँ भी ये तो खानदान ही करप्ट है, ये तो इसी तरह करते हैं. सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैंने आपका इंट्रो भी सुना में है. आपने सियासतदानों के तो बेटे किए. उस दिन जब हम कोहसार पे थे तो ब्यूरोक्रेट का बेटा, सीडीए चेयरमैन फरखंद इकबाल का बेटा, क्या कर रहा था? फिर लगाएंगे. मैंने फिर बोला है अभी कि वो अभी भी दंदन आता फिरता है, अभी भी वो बाप अपने बेटे को काबू नहीं कर सका. सवाल ये तब भी तीन हफ्ते पहले हमने छेड़ा था शनाज साहब, आपको याद होगी. घर से निकाल दिया बेटे, सीडीए के चेयरमैन की बात थी फरखंद इकबाल के बेटे की. आज कहा, आज घर घर में ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या चीफ जस्टिस कसूरवार है, क्या उनने मुंह फेर लिया, क्या उनने सवाल सही पूछे अपने बेटे को, ये सूट्स कहां से आ रहे हैं, गाड़ियां कहां से आ रही हैं, ये घड़ियां कहां से आ रही हैं, ये लुई वुइटन के वॉलेट्स कहां से आ रहे हैं, मुंह फेर लिया उन्होंने, या वाकई जब एक दफा बेटा जो है बाइख्तियार हो जाए, बालिग बच्चे का फेल जो है उसका बाप उसका जिम्मेदार नहीं है. देखिए मैं अर्ज करता हूं कि क्योंकि हमारा ताल्लुक उस दुनिया से है जी, किसी जज, छोटे जज से लेके बड़े जज तक, उसके उसकी जो बेस्ट एक्सरे मशीन है ना वो हम लोग हैं. हमसे मुराद वकला जो डेली पेश होते हैं और जिनको एक एक जज का पता होता है. मतलब यानी इस वकला की एक्सरे मशीन से बेहतर कोई एक्सरे मशीन नहीं है जो जजेस के बारे में जानता हो कि हु इज हु. जी अब जहां तक चीफ जस्टिस साहब का तलक है, मैं कहता हूं कुछ यानी सवाल ही पैदा नहीं होता. और ये कोई चीफ जस्टिस तो अब पिछले दो चार पाँच साल से चले आ रहे हैं, हम इनको जानते हैं उस वक्त से जब ये प्रैक्टिस करते थे बलूचिस्तान में, प्रैक्टिस करते थे, फिर वो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थे, फिर एडवोकेट जनरल थे, फिर ये तो वो इंसान की जो रेपुटेशन है वो साथ साथ चलती है. बल्कि कहा जाता है कि रेपुटेशन इंसान से पहले पहुंचती है वो जो है. इसलिए जजेस जहां तक चीफ जस्टिस साहब का तलक है वो तो कोई माई का लाल जो है वो उंगली भी नहीं उठा सकता. और फिर मैं एक और बात भी अर्ज कर दूं और वो रिकॉर्ड है क्या, उंगली उठाना ही मकसद था? मैं बताता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ. और दूसरी बात ये कि इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती. और ये बिल्कुल माजी करीब की बात है, आपको पता है, आप स्क्रीनों पे और पूरी कौम ने एक मूवमेंट भी चलाई कि जो जज चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंट्री, जो बड़े 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 जुगादरी जो है गिर जाते हैं या डर जाते हैं या बिक जाते हैं. मतलब तो अगर ये चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के उस ड्राइंग रूम से एक अनरेबल तरीके से अगर वो शख्स जो निकल आया है तो मैं समझता हूँ कि उसके बारे में ये कहना कि वो जो है या शको शुबे का भी इजहार कर रहा हूँ मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी ज्यादती होगी खुद जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ पाकिस्तान के जुडिशियल. अब दूसरा सवाल, हो सकता है उसके मुखालफों ने कहा जज साहब लोते रहना, हो सकता है. मगर अगर मुझे इजाजत दें, अगला सवाल आपका वो जो था वो बड़ा पर्टिनेंट था ना कि जी वो जजेस के को ये जज साहब है या कोई भी बड़ा आदमी है जो, क्या उनको बेटों के बारे में पता होता है या नहीं होता, ये अब ये डबल बात है. इसमें
कोई शक नहीं कि बहुत सारे वालदैन ऐसे होते हैं कि जिनको अपने बेटों के बारे में नहीं पता होता, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एक इतनी मसरूफ लाइफ वाला शख्स वो जो है वो इतनी बारीक बीनी से नजर भी रखे कि उसका बेटा या उसकी बेटी क्या कर रहा है। और तारीख बड़ी बड़ी है, तारीख बड़ी बड़ी है कि अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दीजिए एक सेकंड शहनाज साहब, जो सेकंड हमारे साथ ओरिया मकबूल जान साहब भी मौजूद हैं। ओरिया साहब अस्सलाम वालेकुम। घर घर की तो आज ये कहानी और डिबेट छिड़ी हुई है कि चीफ जस्टिस कसूरवार हैं, क्या वो वाकई इनोसेंट थे, क्या उनको मालूम था, उन्होंने मुंह फेर लिया कि बेटे की कामयाबी के ऊपर हर वालिद नेचुरली बहुत खुश होता है। मगर मैं आपसे जो जानना चाह रही हूँ, आज हमारा अलमिया ये है कि अगर हम इस रियासत के क्राउन प्रिंसेस को देखें, अब किसी की भी बात आप कर लें, मूना सिलाही की बात कर लें, अब्दुल कादिर की, मूसा गिलानी की बात कर लें, अब आप अरसलान इफ्तिखार की, सीडीए के चेयरमैन का बेटा एक है, उसकी हम लोगों ने फुटेज भी दिखाई, उसकी हरकतें भी, बातें भी सुनवाई सबको, हर बड़े ताकतवर का बेटा जो है वो दंदनाता फिरता है और उसका जो एक्शंस है वो हमारी कौम के सामने है। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ, अगर ये न्यू जनरेशन कल के अगर हमारे लीडर होंगे, डू वी हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट? पहली बात तो ये है कि हम लीडर बनाते क्यों हैं और किस लिए बनाते हैं, उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो मुनाफ़क़त है उसका एक बड़ा अजीबोगरीब राज है। हजरत उमर का नाम सब लेते हैं, आंखों से चूमते हैं, हमारे उलमा इकराम भी चूमते हैं। हजरत उमर जिस वक्त आप इंतकाल फरमा रहे थे तो आपने एक वसीयत की थी कि ये छह लोग हैं, इनमें हजरत अली हैं, हजरत उस्मान हैं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं और उनमें मेरा बेटा अब्दुल्ला बिन उमर भी है। इन छह में से पांच को खलीफा बनाना, मेरे बेटे को नहीं बनाना। लेकिन मुफ्ती महमूद का बेटा फजल रहमान ही उसकी कुर्सी पे आके बैठता है, शहमद नूरानी का बेटा नूरानी बैठता है। वो मैं उलमा की बात कर रहा हूँ, मैं इन छोटे लोगों की बात नहीं कर रहा। वो लोग जैसे तुमर का यौम बनाते हैं, वो लोग जैसे तुमर के का नाम लेके झंडे गाड़ते हैं, उनके यहाँ भी सज्जादा नशीन और खलफुर रशीद का नाम आता है। हमारे लीडर भी हजरत उमर का बड़े आराम से नाम ले लेते हैं। लेकिन क्या कोई शख्स कह सकता है कि इस उम्र की इस सुन्नत को कोई जिंदा करेगा? नहीं करेगा। उसकी एक बुनियादी वजह है कि हमने आज तक जो कुरान का एक फैसला कि इन्नमा मालुकुम फितना, के माल और औलाद ये दो हमने फितने के तौर पे पैदा किए हैं। असल में चीफ जस्टिस साहब को मैं 20 साल से जानता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब उन लोगों में से हैं कि एक उनका बहुत करीबी अजीज था, उसको ना 90 साल कैद की सजा दी थी और वो शख्स जो था उसको उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने वीआईपी लॉन्ज में रखा हुआ था और मेरे सामने उन्होंने उसको वीआईपी लॉन्ज से निकाला था, जेल शिफ्ट किया था। ये चीज जो है अब मतलब यह है कि बाद वह औलाद आपके सर चढ़ जाती है और फैसला वहां होता है कि क्या आप औलाद के लिए अपने करते हैं, क्या औलाद के लिए बेटे में वकील रखते हैं, क्या औलाद के लिए आप उसको मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इलाही साहब हमारा साथ देने का। सवाल आपसे ये है सिर्फ कि जब एक बालिग बच्चे के फेल को क्या हम उसके वालदैन की जिम्मेदारी समझ सकते हैं, क्या उनके खाते में इसे डाल सकते हैं, खुसूसन जब वालदैन में से कोई एक अहम ओहदे पे हो, बाइख्तियार हो या रियासती ओहदेदार हो? इस्लाम क्या कहता है इस हवाले से? इब्तिसाम ज़हीर इलाही साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। मैं आपसे पूछ रही थी कि बालिग बच्चे के फेल को क्या वालदैन की जिम्मेदारी ठहरा सकते हैं? नहीं, बुनियादी तौर पर बात है कि जब बच्चा बालिग हो जाता है उसके वालदैन की जिम्मेदारी उसके अमाल को करार नहीं दिया जा सकता, इसलिए कि वालदैन ने उसकी किफालत वगैरह करने के बाद उसे अगर किसी मुकाम पे पहुंचा दिया हो और वो डिपेंडेंट ना हो तो उसके बाद उसके अफाल की जिम्मेदारी उसके वालदैन के ऊपर सर के ऊपर डालना ये बड़ी ज्यादती की बात है। जी अच्छा, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इब्तिसाम ज़हीर इलाही साहब। मगर शनाज साहिबा, सवाल इंटरेस्टिंग ये है कि अरसलान से मेरी खुद भी बात हुई। अरसलान का ये कहना था कि मेरे तो कोई खर्चे ही नहीं है, मैं तो ना घर चलाता हूँ ना मुझे बिल्स पे करने पड़ते हैं, मेरा कोई हेडेक ही नहीं है, तो मेरी जो इनकम आती है मैं जिस तरह भी अपनी जिंदगी में जो भी मेरा तर्ज अमल है दैट्स माई चॉइस, मैं डिज़ाइनर वेयर पहनूँ, मैं लैविश हॉलीडेज लूँ, मैं जिधर भी जाके रहूँ, मैं जहाँ भी करूँ, वो मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। ही इज़ करेक्ट, मगर अभी जैसे इब्तिसाम साहब ने कहा कि अगर वो डिपेंडेंट ना हो तो मेहर बुनियादी असूल जिंदगी का, अखलाक का, माशरे का
और इंसाफ के निज़ाम का तो यही है कि हर शख्स जो है वो अपने एक्शंस या अपने अमाल के लिए ज़िम्मेदार होता है। तो जब कोई बालिग हो जाता है तो यकीनन वो ज़िम्मेदार है जो उसने कोई भी काम किया हो ज़िंदगी में। और मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में कोई चीफ जस्टिस साहब को तो ज़िम्मेदार इस लिहाज से नहीं ठहरा रहे कि अगर ये, मैं कहती हूँ क्योंकि सब जूडिस है ये केस, तो इसलिए मेरे ख्याल में ये कुछ पेश कबलस वक्त है कि हम इस पर बहुत ही ज़्यादा तफसीली बात करें। अभी तो ये आगे जाके देखना है कि अदालत में क्या स्टेटमेंट्स आती हैं, क्या सबूत पेश किए जाते हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ चीफ जस्टिस साहब के बेटे ने कुछ स्टेटमेंट दी है। हमें क्या फायदा, हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। इनको क्या फायदा नहीं, हमारा क्या ताल्लुक है? सुओमोटो चीफ जस्टिस साहब ने खुद लिया है। जरा मैं खत्म कर लूं। अब बात यह है कि सवाल ये उठ रहा है माशरे में यकीनन कि क्या बाप की क्या जिम्मेवारी होती है, वो अलहदा एक डिस्कशन है और बहस वो मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, आप पूछ रही हैं, सोशल एस्पेक्ट तो यही है। मैं कहती हूँ कि जो इंसाफ का निज़ाम है और जो इखलाकी निज़ाम है और जो सियासत में भी तो ये है, देखिए सियासत माशरे से अलहदा तो नहीं है। अगर आप इजाजत दें, समझा दें कि इसमें आपको अगर कोई हरकत करता है तो ही इज रिस्पॉन्सिबल। शाह जी, इनको क्या फायदा है? जी मैं अर्ज करता हूँ, मैं कह रही हूँ कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस केस से, ना हमने उनको कहा सुओ मोटो कोई केस लेकर गए, ना मलिक रियाज पीपल्स पार्टी का है, ना चीफ जस्टिस का है, के साहिबजादा का कोई ताल्लुक है पीपल्स पार्टी से, तो हमारा तो कोई ताल्लुक इनके साथ नहीं है। अब मैं पहले तो मैं ये कह दूं कि बीवी ने कहा जी कि उनका कोई पीपल पार्टी से ताल्लुक कोई नहीं है। अभी दो हफ्ते की बात है, 13 करोड़ रुपया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे कजाकों को, जो बड़ी कजाक मलिक रियाज साहब ने दिए, वो दिए मत मेरे कहने पे तो नहीं दिए। तो कुछ ढकी छुपी बात नहीं है, जरदारी साहब के बड़े करीबी हैं वो। तो मैं ये नहीं, वो जो आबाजी देने को तैयार हूं जरदारी साहब। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, देखिए दो एक नहीं ज्यादा है। वफात पा गया तो मैं अपने बेटों की जिम्मेदारी जरदारी साहब को दूंगा कि मेरे खानदान को मलिक रियाज साहब जो भी मर्जी कहे, मैं यही कर रहा हूँ मेरी सुन ले मतलब बात कि ये यानी वो तल्लक की बात तो आ गई ना, मतलब अब ये तल्लक होना भी कोई जुर्म नहीं है। तल्लक तो आप लोगों से भी है, शहबाज शरीफ साहब की बड़ी अच्छी दोस्ती है, इसी दी अर्ज कर रहा हूं। शहबाज को बुलेट प्रूफ गाड़ी दी हुई उन्होंने, तल्लक होना कोई इलेक्शन में पैसे डाले। मैं अर्ज करता हूं कि तल्लक होना कोई जुर्म नहीं है। मैं तो आगे चल रहा हूं कि आपने कहा कि ये क्यों शक व शुबात पैदा क्यों होते हैं। शक व शुबात पैदा इसलिए होते हैं कि पिछले 4 साल से पाकिस्तान में मौजूदा पॉलिटिकल पावर की, मौजूदा एग्जेक्टिव की, मौजूदा जरदारी साहब की, मौजूदा यूसुफ रजा गिलानी साहब की, एक केस में नहीं मोर देन 1 डजन केस में जो एक टकराव है, राइटली या रांगड़ी वो बाद में अर्ज करूंगा मैं, लेकिन वो दैट इज देयर, वो कोई उसमें जिसमें अभी आप अदालत के साथ चीफ के साथ एग्जैक्टली ये NICL की केस की बात की है इन्होंने, वो है ये अपना स्टील मिल का केस है, वो है जो हज का केस है, वो है एफ्रोडीन, जी एफ्रोडीन दवाइयों का, एग्जैक्टली वो है, NRO का है, बहुत मशहूर केस है जो चलते चलते जो मौजूदा यूसुफ गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई कर गया और आज गली गली ये कहा जाए रेंटल है। योर पॉइंट बीइंग के इतने फेरिस्त सुना दी है उन्होंने, पहुंचाया उनको। मुझे ये बताइए कि ये जो इसके बारे में सारे इंकशाफ किए गए थे वो 2009 तक पहुंचते हैं, इसको हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं कि ये है वो आज की एग्जीक्यूटिव को, आज की पॉलिटिकल पावर को जो तकलीफ है कि यार इसको किस तरह इससे जान छुड़ाई जाए। मतलब और बड़ी दफा उन्होंने फ्लोर पर भी ये कहा है यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, हमने इनको आजाद किया, हमने इनको छोड़ा, हालांकि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो अब इनको सेट भी हम ही करेंगे। आपको लगता है मकसद ये है? चले मकसद क्या अचीव हुआ है कि नहीं हुआ, और कहने वाले तो मैं एक वक्फा ले लूं फिर आपसे जरूर आपका जवाब लूंगी। कहने वाले तो ये भी बेंच को कह गए शहनाज साहिबा कि बलोचिस्तान और अमन अमान केस के हवाले से एजेंसियों को आड़े हाथों लिया जा रहा है, तो एजेंसियां शायद मलिक रियाज साहब को फीड कर रही हैं। कश्माला साहिबा बताएंगी अगर कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं, उनका फायदा क्या है। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक।
वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर. कहा यह जा रहा है कि एक ऐसा बच्चा कि जिसकी 3 साल पहले नौकरी नहीं थी, वो आज 90 करोड़ की टेलीकॉम की बिजनेस किस तरह चला रहा है, किस तरह घर की बेटियों और माओं को लेकर ट्रिप्स पे जाता है और घर के जो हेड हैं उनको कुछ मालूम नहीं है. सवाल ये उठ रहा था हमारे मुख्तलिफ मौलाना साहिबजाद इब्तिसाम ज़हीर इलाही साहब हमारे साथ मौजूद थे. मौलाना साहब, उनका कहना था कि बालिग बच्चे की जिम्मेदारी वालिद को नहीं दी जा सकती. और ये मकबूल जान साहब भी मौजूद हैं, वो हमें बता रहे थे कि ये नई पौध जो अब इस तर्ज अमल पर जिंदगी जी रही है, वो कल को हमारे लीडर बनेंगे तो हमारा क्या बनेगा. कश्माला, जिक्र ये हो रहा था, एक तो उन्होंने बताया और आपका मैं दोनों के सवाल लूंगी. उन्होंने कहा कि जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी जो उनकी दुखती रग चीफ जस्टिस बन चुके थे, तो इनका तो मोटिव भी बनता है उन पर सवाल ये निशान लगाना. अब सवाल ये भी उठ रहा है कि चीफ जस्टिस पहली बार हमारी तारीख में जिस तरह एजेंसियों को और इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों ले रहे हैं लापता अफराद और बलोचिस्तान अमन अमान केस के अंदर, तो एजेंसियों का भी फिर मोटिव बनता है. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी. देखिए, मुझे तो हम सब शवाहिद के बगैर तो कोई बात नहीं कर सकते मेहर क्या सराई होगी, लेकिन मतलब साजिश जरूर है इस बात के ऊपर. आप नहीं, साजिश हम कैसे प्रीएम्प्ट कर सकते हैं जब तक कोई नहीं कहती है साजिश है. वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका अपना है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू. आई एम हियर टू गिव माय पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट स्पीक ऑन एनीबॉडी. ऐसे इस बात को रूल आउट किया नहीं जा सकता. मैं ये देखिए, हो सकती है ये चीजें अननर्थ होंगी, और अगर कंस्पिरेसी हो, साजिश हो, तो ये चीजें कभी सामने इस तरह. दूसरी चीज मैं ये कहूँ आपसे कि ये ताल्लुक जो है ये लोगों के सिर्फ बेटों पे नहीं, बाकी फैमिली मेंबर्स पे भी आएगा, भाइयों पे, बाकी अफराद के ऊपर जो हर बड़े के भाई हैं. आप टॉप से लेकर बॉटम तक अगर जानने लगे तो पूरी पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व है, किन्हीं की बेगमात भी इन्वॉल्व है, किन्हीं के बच्चा भी इन्वॉल्व है. बात करती हूं किसका जिक्र कर रही हूं, मैं तो सबकी बात कर रही हूं, मुशर्रफ का और दूसरे जनरल्स का भी कर रही हैं, जनरल ज़ियाउल्लाह का. प्लीज आप अपनी बारी पे बोलिए, अगर मैं जो लेट मी फिनिश, आप यू कैन स्पीक ऑन योर, नो यू आर नॉट द एंकर, आई एम आंसरिंग मेहर. तो बेसिकली ये उन्होंने भी वैसे आपने नोट किया कि साबिक जनरलों का नाम लिया. मैं ये, हाँ मैं यही कह रही हूँ, क्योंकि जो सिटिंग है वो शायद ऑन बोर्ड है उनके साथ. मेरी गुजारिश ये है आपसे, जिस साजिश की आप बात करें तो वो प्रॉब्ली देन दे आर ऑन बोर्ड. मेरी गुजारिश ये है आपसे कि यहाँ पे हम किसी को भी, सबको अक्रॉस द बोर्ड ट्रीट करें, चाहे वो फौज है, ब्यूरोक्रेसी है, जर्नलिस्ट है. जर्नलिस्ट के ऊपर बहुत बड़ी, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. उसके बाद मेहर बात यह है कि आप एक तो ये एक अरसलान तो मैंने पहले कहा कि एक केस है जिसकी बिना पर सारे लोग पकड़े जाएंगे, एक एग्जाम्पल सेट होगी इस मुल्क के अंदर, और इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती होगी कि अगर ऐसा ना हो. यहां से खुशकिस्मती शुरू होगी पाकिस्तान की कि वो यूथ जो चेंज की बात कर रही है, जो चेंज चेंज के लिए तरस रही है, दिस इज द चेंज विच पीपल वॉन्ट. मैं आपको ये बताऊं कि अगर 2009 से यहां पर कहा गया कि उसके सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो इजंट इट एंट्रैपमेंट. उसके ऊपर कौन शवाहिद बना रहा है, कौन बैठ के. तो खबरें ये भी आ रही है कि मुने सिलाही को भी अरसलान इफ्तिखार के जरिए ही रिहा कराया गया था. कुछ खबरें ये आ रही हैं कि मलिक प्यास साहब का ये कहना है. मेरी बात सुने कि आपने अभी जैसे सुना, इन्होंने कहा कि NICL केस है, सारे केसेस हैं. आज जैसे मैंने आपको लगा हुआ था, हज स्कैम था, रेंटल है, उसमें भी भाई और बेटे भी इन्वॉल्व है, सब चीजों में इन्वॉल्व है. Now the point is के किसी एक की हम पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं कर रहे, ऑल अराउंड बात करें. जो अरसलान इफ्तिखार सिंबॉलिक हो गया है ना, हाँ, बिकॉज वो इंसाफ का झंडा गाड़ते हैं. मैं आपसे ये कह रही हूँ कि बेटे खाली नहीं, भाई, फैमिलीज इन्वॉल्व है, लोगों की पूरा पूरा सेटअप इन्वॉल्व है. अच्छा, अब दूसरी चीज इसमें मेहर ये कि आपको क्या नजर नहीं आता कि यू आर लिविंग बियॉन्ड मीन्स. आप ये बताएं, एक एक ब्यूरोक्रेट के 3-3 बच्चे बाहर पढ़ रहे हो. कभी किसी ने जाके पूछा है कि आजकल पढ़ाई कितनी महंगी है बाहर, और आपके 3 बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? आप तो सेक्रेटरी हैं, आप तो जॉइंट सेक्रेटरी हैं. अच्छा, एक आपने जो पॉइंट उठाया, आई वांट टू टेक दैट टू शनाज साहिबा. शी इज रेज्ड अ वेरी रेलेवेंट पॉइंट कि बेटों की नहीं, भाइयों की, खानदानों की भी बात करो. मेरा आपसे सवाल सिर्फ डायरेक्ट ये है कि अब ये मानना है, ये कहना भी है हम सबका, कि अगर आप कियानी साहब की बात कर लें, कहा जाता है कि उनके भाई उनके नाम पे जो है बहुत रियायतें लेते हैं वगैरह, मगर अगेन कामरान कियानी के भी बारे में ये कहा जाता है, और ये अंदर के सर्कल्स में माना जाता है कि इशफाक परवेज कियानी साहब कोई लेना देना नहीं रखते इस हवाले से. उन्होंने सबको कहा है कि मेरा नाम नहीं लिया जाएगा. सो अब ये मानना भी है कि अब भाई जो कर रहा है उसके ऊपर दूसरे भाई की क्या गलती है. अगेन, आपने जरदारी साहब का भी जिक्र घूम भाई के भाइयों के नाम पर किया था, फिर टप्पी की बात कर लें आप डायरेक्टली. आई विल बी वेरी डायरेक्ट विद यू, बट टेल मी समथिंग, क्या बात है, और शाहजी आप भी इसका जवाब देंगे, कि अगर चीफ जस्टिस की बात हो या किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात हो, तो कहा जाता है कि भाई या बाप जो है उसका कसूर नहीं है, मगर अगर वजीर आजम के बेटे
जो हैं उनकी करप्शन में मुलव्वस होने के इल्जाम आए तो कहते हैं वजीर आजम का कसूर है, क्यों? ये मैंने कहा था अभी, क्यों कि देखिए क्यों लगता है आपको जो असूल है वो यकसा होना चाहिए, हमें तो मैंने तो साफ ये बात की है कि जो एक असूल है या जो तराजू है सबके लिए यकसा होना चाहिए, मगर नहीं है। देखिए मैं लगता किसी है? का नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जो भी इल्जाम है, इल्जाम तो आप किसी के ऊपर किसी किस्म का भी लगा सकते हैं। आज आप 100 लोगों की बात भी कर लें, उनके नाम भी ले लें, भाइयों के, बेटों के, और इल्जाम लगा दें, लेकिन अगर आपने एक निज़ाम के तहत चलना है, एक इंसाफ के निज़ाम के तहत चलना है, तो अगर किसी के पास सबूत हैं तो अदालतें आजाद हैं, अदालतों में केसेस लग रहे हैं, अदालतों में लोग पेश हो रहे हैं, क्यों नहीं है? सवाल तो हम सभी यही पूछ रहे हैं कि अगर आपने किसी के ऊपर इल्जाम लगाया है तो फिर आप सबूत लेकर अदालत में पेश हो जाएं, और जब अदालत में आप पेश होंगे, सबूत आप देंगे, अदालत उसका जायजा लेगी, फैसला करेगी, फिर ही कह सकते हैं। क्यों नहीं पहले आप कहते पहले अगर आप सारे माशरे में लोगों को बदनाम कर दें और अपनी आप राय के मुताबिक और ऐसे इल्जाम, हवाई इल्जाम लोगों के ऊपर लगाते जाएं, तो ये तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल किसी किस्म का मतलब है कि माशरे में कोई अखलाक बनाने का तरीका नहीं है। अगर कोई अगर कोई किसी के पास सबूत है कश्माला साहिबा का ये बात में लेकर, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो या बताइए ना, क्यों नहीं अक्सर मैं यार करता हूँ। शायद बीबी ने बड़ी ठीक बात की कि अगर किसी को किसी के पास सबूत है तो वो क्यों नहीं जाते कानून के पास, क्यों नहीं जाते? मतलब शहनाज बीबी इसी तरह कानून ये है कि अगर मैं आप पे झूठा इल्जाम लगाता हूँ तो आपके पास कानून मौजूद है कि आप मेरे खिलाफ क्यों नहीं जाते कोर्ट में, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुमने मेरे खिलाफ क्यों ये वकील हैं, कितने केसेस साबित हुए डेफिनेशन के लॉ में नहीं होते हैं? और बीबी मैंने शुरू में कहा आप हाथ रोक सकते हैं, जुबान नहीं रोक सकते। मैं करूं मेरे बारे में कह दिए कि मैंने मलिक रियाज से प्लॉट लिए, पैसे लिए, मैं मेरी कोई साबित करके दिखा दे, मैं साफ छोड़ दूंगी। आप इस तरह ना करें। पहली बात तो नहीं, पहले सुन लेना, मतलब पहली बात तो ये है कि वो ये फिर वही बात कानूनी है कि, और जैसा अलामा जहीर साहब ने भी कहा कि क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है ये हमेशा ये असूल है ज्यूरिसप्रूडेंस का हजारों साल पहले का, कि क्रिमिनल लाइबिलिटी वो अपनी अपनी होती है, उस पर कोई किसी का शेयर नहीं होता। मेरा भाई अगर चार आदमी मारा आएगा तो चोरों का टोला क्यों कहते हैं? सुन लेना, टोले वाली बात भी सुन लेना। और सिविल लाइबिलिटी जो है वो मुश्तरका होती है। अच्छा। जिस तरह मैं अगर अपने बाप की एसेट का हिस्सेदार बन जाऊंगा ना, तो मेरा बाप अगर किसी का कुछ देना है तो मैं उस देने वाले भी मैं शेयर होल्डर हूं, मुझे देने पड़ेंगे। मतलब यदि जो क्राइम है उससे किसी दूसरे बंदे का तलक नहीं होता, अंटल अनलेस ये साबित ना हो गए कि वो उसका हिस्सा है। अब बात ये है कि ये अब फिर बात वही आ गई है कि ये चपकलश जो है, ये जो इतनी गर्मी हीट जनरेट हो गई है वो इसलिए हो गई है, एक तरफ एग्जेक्टिव है, सिटिंग पॉलिटिकल पावर है और उसके कारनामे हैं, भरे पड़े हैं पूरा चार साल, और दूसरी तरफ जुडिशरी है, और जुडिशरी में भी वो शख्स लकीली अनलकीली, ये किसी को अच्छी बात लगे या ना लगे, कि वो जो कि एक तसलसल है, जनरल मुशर्रफ साहब ने कोई मामूली वारदात नहीं की थी। आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? मैं हंस रही हूँ कि एनआरओ देने वाले कौन थे, गार्ड ऑफ ऑनर देने वाले कौन थे, जनरल मुशर्रफ को बाहर भेजने वाले कौन थे, बीच में बैठ के सेटलमेंट कराने वाले कौन थे, मतलब किस तरह हम माजी भूल जाते हैं। और अब अगर ये बात आ गई है, पुराने जर्नैलों की बात कर रहे हैं, नए जर्नैलों की, अरसलान के वकील नहीं है ना, हमें पता है कि वो हुई जी चौधरी साहब के वकील तो आप लग रहे हैं मुझे आज। वो इसलिए कि मैं जानता हूँ, मैं पहले कह चुका हूँ, आप जानते हैं, मैं वो जानता हूँ, वो तो ओरिया साहब की बात की है। हाँ। वो तो एक्सरे मशीन है ओरिया साहब, ये तो एक्सरे मशीन है कि जो देख चुके हैं, देखते हैं रोजाना, सी थ्रू कर चुके हैं रोजाना, और एक पास रिकॉर्ड सामने रख रहे हैं। मगर ओरिया साहब, आपको लगता है कि कोई नया कानून इस हवाले से पाकिस्तान में बनाना चाहिए? क्योंकि हर एक का बाप और बाप कह रही हूँ, हर एक का भाई और बेटा और भाइयों बेटों तक महदूद आज रहते हैं, वो रियायतें लेते हुए भी खबरें उनकी आती हैं, गर्दिश करती हैं, उनकी नाजायज फायदे लेते हुए भी खबरें गर्दिश करती हैं, और फिर हमेशा यही कहा जाता है कि भाई उसका एक बालिग आदमी का फेल जो है वो किसी और के खाते में क्यों डाला जाए। देखिए मसला यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा पावरफुल कोई कंपनी नहीं थी यहां पर। 1770 के अंदर उसके बारे में कहा गया इसको वाइंड अप कर दो, इसलिए कि इसमें करप्शन हो गई है और बहुत ज्यादा करप्शन हो गई है और बर्तानिया को कोई फायदा नहीं हो रहा। वॉरेन हेस्टिंग एक बंदे को यहां भेजा गया और उसने आके देखा कि इस करप्शन की बुनियादी वजह यह है कि सबने अपने रिश्तेदार भर्ती किए हुए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, और उसमें होता यह है कि वो इतनी ज्यादा आपस में मिलकर करप्शन करते हैं
कि बर्तानिया का जो है वो फायदा कोई नहीं हो रहा। उसने कहा कि मुझे सिर्फ 2 साल दें, मैं कानून बनाया उसने कि कोई शख्स अपने रिश्तेदार को यहां पर नहीं कर सकेगा, और उसने तनख्वाहें उनकी डबल कर दी। 2 चीजें उसने की थी, और 1773 के अंदर उसने कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस पैदा की थी। एक तो कानून आपको बनना पड़ेगा, दूसरा मैं आपको यहां बातें हो रही थी, पाकिस्तान में एंग्लो सैक्सन लॉ के अंदर बुनियादी तौर पर एसएचओ जो है वो जो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने बना के रखेगा, सुप्रीम कोर्ट उससे बाहर नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेटिव जज नहीं होता, वो जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। इसलिए बाप बेटे का उस वक्त जिम्मेदार बन जाता है जब वो अपने जेर असर इन्वेस्टिगेशन पर असरअंदाज होता है, जब वो किसी एसएचओ के ऊपर, जब वो किसी डायरेक्टर के ऊपर, जब वो कनाइवेंस करता है उसके जुर्म को छुपाने की। और बाप अपने बेटे से उस वक्त अलहदा हो जाता है जब बेटे को कटहरे में खड़ा कर देता है। तो यानी कि साहिब इख्तियार अगर कोई हो या रियासती ओहदेदार अगर कोई हो तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। देखिए अगर तो वो बेटे के जुर्म को फैसिलिटेट कर रहा है, बेटे के जुर्म के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, बेटे की तफ्तीश के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, बेटे को जुर्म से बचाने की पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है, तो बाप उसके अंदर शरीक है। लेकिन अगर बाप अपने बेटे को अदालत के कटहरे में लाके खड़ा कर देता है और कहता है कि ओपन कोर्ट है, आए देखे जो मर्जी करे, तो फिर बाप बरी जिम्मा है। एक छोटा सा वक्फा लूंगी शनाज साहब, बड़ी क्लियर बात हो चुकी है, वजीर आजम के ऊपर सामने इल्जाम है और चीफ जस्टिस इल्जाम से बरी हो चुके हैं। एक वक्फा लूंगी, और क्या मकसद यही था कि चीफ जस्टिस की रेजिग्नेशन ली जाए इसके थ्रू, बिकॉज बात इंटरनेशनल जूरिस्ट अवार्ड 2012 के जो हुए थे तब से चली हुई है। आफ्टर ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया शनाज साहब। आई कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। आप ब्रेक पे जाने से ओरिया साहब की भी बात पहले सुन रही थी कि जिस तरह वजीर आजम ने तफ्तीशी अफसर बार बार तब्दील कराया अपने बेटों के केस में, और मूनस इलाही के केस में भी हमने देखा कि जब काफ लीग वापस हुकूमत में आ गई तो उसके ऊपर फिर वालदेन जो हैं या बाइख्तियार लोग जो रियासती अहदेदार भी हों वो जो हैं वो असरअंदाज होते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं अपनी बालिग औलाद की के कामों पर, उनके एक्शंस पे। मगर जो बाप खुली कचहरी लगा दे, पूरे मीडिया को बुला दे, सुओ मोटो ले ले, उसके बाद बेंच से भी अलहदा हो जाए, वो जिम्मेदार नहीं रहता। मेहर, यहाँ पे आज बहुत बातें हुई हैं। आज वजीर आजम साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि मैं अपने बेटे को चीफ जस्टिस के सामने पेश करने के लिए तैयार हूँ। ना सिर्फ तैयार हूँ, उनके जो बड़े बेटे हैं वो भी अदालत में गए हैं, वजीर आजम साहब खुद भी अदालत में पेश हुए हैं, मूसा का जो आपने उनकी तरफ इशारा किया है वो भी बाकायदगी से जो भी लीगल प्रोसीजर है उसमें टोटल कोऑपरेशन दे रहे हैं। तो ये कहना कि वो हर एक चीज़ में रुकावट बन रहे हैं, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द जुडिशियल सिस्टम और जस्ट कर रहे हैं ना इन्वेस्टिगेशन। नहीं, देखिए बात ये है कि मुझे अगर कोई कहे कि वजीर आजम साहब ने या उनके साहिबजादों ने कोर्ट में जाने से इनकार कर दिया है, या कहा है कि हम मानते नहीं कोर्ट की या अदालती निज़ाम, या वो इस किस्म की रुकावट उस केस में कर रहे हों जहाँ पे आप कह सकें कि ये अदलिया जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे नहीं हो रहे, तो वजीर आजम खुद पेश हुए हैं अदालत में। मैं आपको डिफरेंस बता दूं, अरसलान इख्तियार के केस में बाप जज है। अगर बाप, देखिए ना, ये तो इख्लाकी एक्सपेक्टेशन थी। देखिए ये कहना कि एक बाप ने अपने आप को एक बेंच से अलहदा कर दिया है, ये तो इखलाकी तकाजा जो था वो उन्होंने पूरा किया है, और ना चीफ जस्टिस के आप कोई उंगली नहीं, आपके ऊपर तो कोई उंगली नहीं उठा रहा। इधर जज बाप था, बात ये कह रहे हैं प्रोसिक्यूशन बाप है। देखिए बात ये है कि वजीर आजम साहब ने अपने अल्फाजों में खुद आज सुबह कहा है कि मैं तो अपने बेटे को अदालत में पेश कर रहा हूँ और तैयार हूँ पेश करने के लिए। तो ये अगर आप ये भी ना सुनना चाहें तो फिर आपकी मर्जी है, लेकिन देखिए बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने अपने आप को अलहदा कर दिया। यहाँ पे जितनी बहस चल रही है और वैसे भी मुल्क में जितनी बहस चल रही है वहां पे कोई ये नहीं कह रहा कि चीफ जस्टिस साहब खुद जिम्मेवार हैं अपने बेटे के एक्शंस के लिए। अब ये आप और बहस कर सकते हैं कि क्या उनको ये नहीं मालूम था कि उसके पास कितने क्या अखराजात कर रहा था, कितने उसके पास कपड़े थे, गाड़ियां थी वगैरह वगैरह, वो अलहदा सवाल है। मैं कहती हूँ केस सब जुड़े से जाएंगे तो फिर पता चले। कल मलिक रियाज साहब शायद अदालत में पेश हों, खैर से देखते हैं कि बात आगे निकल ही चुकी है तो कहां तक जाएगी। क्या आपको लगता है कि मकसद इस पूरे इशू का यही था कि बोझ बना दिया जाए चीफ जस्टिस को अदालत पे, उनका इस्तीफा जो है वो किसी तरह हासिल कर लिया जाए? डू यू थिंक सो शाहजी? नहीं, मैं समझता हूँ, पहली बात तो ये है कि वाकई सब जुड़े से पता नहीं, आप बातें कल से शुरू होंगी ना,
क्योंकि अभी तो एक साइड मैं मकसद की बात कर रही हूँ। मकसद वो तो जहर है, वो तो ये भी हो सकता था कि 209 आर्टिकल के तहत रेफरेंस दाखिल कर दिया जाता है, कोई उठ के ए बी सी जाके कर देता या कोई कि चीफ साहब के खिलाफ, यानी इसलिए शको शुबात जो है पैदा होते हैं। अच्छा। कि वो इनको जो टफ टाइम दे रहा था बतौर एक जुडिशियल चीफ जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द कंट्री, एपिस कोर्ट ऑफ द कंट्री, पोलिटिकल पावर को, पॉलिटिकल पावर की करप्शन तो यानी कि उनको अब तारीख तो इधर रकम हो रही है। कश्माला मेरा वक्त खत्म हो गया, मुख्तसर जवाब, तारीख इधर रकम हो रही है कि जिधर हर एक की औलाद है, कहीं बाप जज है कहीं बाप इस्तगासा है। अब देखना यह है कि फैसला किसका सामने आता है, पहले देखें इंसाफ कहां नजर आता है। इंसाफ तो इंशाल्लाह नजर आएगा जो भी होगा, और हमें मेरा ख्याल में इन्हीं हफ्ते दो हफ्ते में नजर आ जाएगा। और मुझे, मैं बहुत पुरउम्मीद हूँ कि ये पाकिस्तान हमें चाहिए जिसके अंदर इंसाफ मिले। ये वो पाकिस्तान है जिसका चर्चिल ने जिक्र किया था कि इंसाफ मिल रहा है तो इस मुल्क को कुछ नहीं होगा। और मुझे उम्मीद है कि हमारा सेवियर जो है, हमारी होप से सुप्रीम कोर्ट से, और हमें दे वोंट लेट अस डाउन। चले हम भी मुंतजर रहेंगे कि इस मुल्क का सेवियर कौन है और इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता। कल मलिक रियाज पेश होते हैं कि नहीं, हम आपको आगाह रखेंगे। महर बुखारी को इजाजत दीजिए, सी ऑल टुमारो, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।